ये बात भी नहीं है। ये तो भाई हर जगह मेरा हाथ पकड़ के खींच रही है यार, कम यार, कम ही यार। ये देखो 10,000 एनिमल का ये स्किन वगैरह है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे यार। ओशन पे मार्केट है पूरा, देखो अटलांटिक ओशन। देखो दिस साइड, दिस साइड ऑफ दिस साइड, दिस साइड दे आल्सो डू ब्लैक मैजिक। या दे डू ब्लैक मैजिक लाइक। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोर वशु। आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा कि मैं बीच साइड पार्टी करने गया था, तो फिर मैं वापस रामित जी के घर आ गया था यहाँ पे। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज मैं निकला हूँ सियरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन का एक्सप्लोर करने के लिए। आप देख सकते हो फ्री टाउन पूरा ये हिल पे लोकेटेड है, पूरा हिल स्टेशन है एक्चुअली। एक तो ऊपर वो US एम्बेसी मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ से मेरे को मेन रोड पे जाना है, पूरा ये स्लोप है। और कल मैं फ्री टाउन से जा रहा हूँ, कल फ्री टाउन से अगली सिटी जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं अगली कंट्री जाऊँगा, लाइबेरिया। कल मैंने देखा कि फ्री टाउन यार एक ऐसी सिटी है जहाँ पर हिल स्टेशन भी है, कई सारे माउंटेन भी हैं और अटलांटिक ओशन का कोस्ट भी है, हार्बर भी है। तो बहुत ही यूनिक सिटी है यार, ऐसी सिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ये फ्री टाउन की मेन रोड है और बहुत सारे अफ्रीकन सिटीज की तरह यहाँ पर भी ना ऑलमोस्ट सारे टुक टुक ऑटो, थ्री व्हीलर्स, TVS या बजाज के हैं। और गिनी की तरह यहाँ पर भी ना 90% से भी ज्यादा टू व्हीलर्स TVS की हैं। आप लोगों को ध्यान हो, जब मैं गिनी से सियरा लियोन आ रहा था तो मेरे कार में एक लियोनेस मिली थी जिनका नाम था सलामता, जो मेरे साथ आ रही थी। तो उनका मैसेज आया कि मैं आपको फ्री टाउन घुमाना चाहती हूँ क्योंकि मैं फ्री टाउन की हूँ। तो मेरे घर के पास वो आई हुई हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और उनके साथ आज मैं फ्री टाउन का एक्सप्लोर करूँगा। तो ये भाई सलामता आ गई, आई डोंट नो कहाँ लेके जाएंगे आज मेरे को ये फ्री टाउन में। हेलो सलामता, हाउ आर यू? फाइन, सो वी आर गोइंग नाउ। हे, माय फ्रेंड। ओके, योर फ्रेंड। हेलो, ही सेड हाउ आर यू? सो वी आर गोइंग फर्स्ट। सो वी गो टू द म्यूजियम। फर्स्ट वी गो टू द म्यूजियम। ओके ओके, लेट्स गो। वी टेक टुक-टुक। ओके, अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसके लिए टुक टुक लेंगे। देखो भाई, सारी बाइक यहाँ पे TVS की हैं, मैक्सिमम TVS स्टार है। TVS स्टार, ओके, ये भी भाई TVS की टुक टुक है यहाँ पे। हाउ मच इज चार्जिंग? 30,000। भाई टुक टुक ले लिया हूँ 30,000 लियोनेस में। यस, दिस इज लियोनेस। यस। हेलो, दुर्वाशवा। तो भाई टुक टुक में और भी पैसेंजर्स आ चुके हैं। What is your name? Justin. You from Freetown? Yeah. Okay. What, you study or you work? I'm studying. You're studying, okay. तो सियरा लियोन के मेन रोड से अब पतली पतली गलियों में आ चुके हैं। ये देखो बहुत तंग गलियां, पतली पतली गलियां हैं यहाँ पे। Now stream back again. With the money and all going same is sister. The museum, huh? Sierra Leone National Museum. Is entrance? Yeah. Here you have. Here we have our cultures and tradition. Okay. Here we just exhibit. We also have old artifacts there. You are from which country? India? Yeah, India. You are Indian? Yes. I'm tourist here. Oh, you're tourist. So yes. You pay $5. $5? And you, madam, you are a Sierra Leone. I know. 10 times for tourists. $5. Me is 5 Leone. So guys, generally मैं म्यूजियम बहुत ही कम जाता हूँ, बट सियरा लियोन में ये नेशनल म्यूजियम, इसका नाम है सियरा लियोन नेशनल म्यूजियम, यहाँ पर मैं आया हूँ। बहुत लोगों ने इसकी तारीफ करी थी, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स इस म्यूजियम के अंदर। ये कंट्री आजाद हुआ है 1961 में फ्रॉम ब्रिटिशर्स, बट ये म्यूजियम ओपन हुआ है उसके ही पहले 1957 में। और जब ये ओपन हुआ था, इसके जो ऑफिसर्स थे वो भी कॉलोनियल एरा के ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे। यहाँ पे देखा, काफ़ी सारी फोटोज यहाँ पर हैं, लोकल्स लोगों की भी हैं, ट्राइब्स की हैं, यहाँ अलग अलग एथनिक्स ग्रुप के लोगों की हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर दिखाया गया, उनके कपड़े, उनका रहन सहन, उनके यूटेंसिल्स, टूल्स। इज मेड बाई सीक्रेट सोसाइटीज पीपल, पीपल ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, ऑल दिस
All these statues are made by secret societies. Okay. एक चीज जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे, सियरा लियोन में भी और मे बी शायद अदर अफ्रीकन कंट्रीज में भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जिनको ओपनली पब्लिक में आना अलाउड नहीं है, और यहाँ के लोग बोलते हैं उनसे गवर्नमेंट भी डरती हैं, उनसे गवर्नमेंट वगैरह बहुत ही कम बात करती हैं, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, बहुत सारे वो ब्लैक मैजिक करते हैं, बहुत ही खतरनाक मैजिक करते हैं, बहुत ही पावरफुल मैजिक। तो सियरा लियोन में काफ़ी सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जो कि सीक्रेटली काम करते हैं, बट आपको सिटी में नहीं मिलेंगे, कंट्री के इंटीरियर में जाओगे, विलेजेस में जाओगे, कंट्री साइड जाओगे, आप लोगों को वहाँ पर वो मिलेंगे, और नॉर्मली आउटसाइडर को वेलकम नहीं करते हैं, अलाउड नहीं करते हैं। उनके द्वारा ये काफ़ी सारे देखो ये स्टैचूज़ बनाए गए हैं, काफ़ी डरावने हैं, काफ़ी स्कैरी स्टैचूज़ हैं, बॉडी ह्यूमन की, फेस क्रोकोडाइल का, ये देखो ये भी कुछ अलग टाइप का यार, काफ़ी स्कैरी है ये सब दिखने में। ये पूरे सियरा लियोन के सीक्रेट सोसाइटीज़ द्वारा बनाया गया है, कुछ इस टाइप की सोसाइटी होती है। देखो यहाँ पे पेंटिंग है, मैं आपको रियल में शायद ना दिखा पाऊँ, पेंटिंग आप देख के समझ सकते हो कुछ इस टाइप के लोग दिखते हैं। अब कई सारे इनकी सेरेमनीज़ होती है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर चीज़ है, ये वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह मिलेगा देखने को। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज इब्राहिम कोंते। सिबिया इब्राहिम कोंते। इब्राहिम कोंते, ओके, यू कैन टेक वीडियो। नाइस टू मीट यू, इज ओके? हां, या वेलकम टू द म्यूजियम। वी हैव टू मेन गैलरी, गैलरी 1 एंड द नेक्स्ट पोजीशन इज गैलरी 2। ओके, बट गैलरी 1 हियर इज प्योरली बेस्ड ऑन आवर सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ सियरा लियोन। सीक्रेट स्टडी ऑफ सियरा लियोन। सियरा लियोन, यस। एंड मेनी सीक्रेट सोसाइटीज वी हैव अबाउट, इज मेनी, ईच एथनिक ग्रुप्स हैव देयर ओन सीक्रेट सोसाइटीज, यू नो, ऑल दोस सीक्रेट society, so are embedded on those two major, the Bondo and the Poro society. The Bondo is for the female, okay, which is the female genital mutilation, and the Poro is for the male. Those two society engage boys and girls for them to gain maturity. Okay. That is, after you have already gone through those two society, you are well matured to go into any extracurriculum activities. And they have many power, huh? Yeah, they have many power. They also do black magic. Yeah, they do black magic, like very, this one. Very strong black magic. Very strong black magic. Like this one is known as the witch doctor. The witch dog? Yes, traditional. Witchcraft and witch dog. Yes. It comes out whenever there is a difficult situation. The Bondo society used for female genital. Bondo society, they wear this mask? Yeah, they wear this mask while they carry out the cuttings. Try the cutting? Yeah. Cutting of what? The cutting of their clitoris. Their clitoris? Yeah, their clitoris. The clitoris. Each of them. But they are trying to abolish it now. And a lot of sensitization. Trying to abolish? Yes. This is their names. The Sierra Leone names. Soldiers from First and Second World War. Yes, Participated for British? Witches. British Army? Yes. Army, okay. Exactly. During the First and Second World War. Under the British Army. Okay. This is some of their names who passed away. Oh, during the war? During the war, yes. Okay. So, देखो भाई, ये ओल्ड करेंसी सियरा लियोन की जो अब चलती नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश वेस्ट अफ्रीका। जैसे कि फ्रेंच कॉलोनियल कंट्रीज में फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका करेंसी चलती है, वही तरह यहाँ पर भी पहले की करेंसी है ब्रिटिश वेस्ट अफ्रीका। तो ये देखो फ्री टाउन सिटी का पूरा व्यू है, यहाँ पे पूरा ओशन है, पोर्ट है, ये पूरा हिल्स पे लोकेटेड है सिटी। थैंक यू, बाय बाय बाय। तो भाई यहाँ के जो लोकल नेशनल है उनका एंट्री फीस तो सिर्फ 5 लियोनेस यानी 30 रुपए, बट मेरा लगा है $5, 400 रुपए एंट्री फीस का। इनको बोल रहे थे यू नॉट फ्रॉम सियरा लियोन, फ्रॉम गिनी। इन पर डाउट कर रहे थे कि सियरा लियोन का नहीं हो, आप फॉरनर हो तो बाहर ज़्यादा फीस दो। इन्होंने बताया भाई मैं लोकल हूँ यहाँ की, सियरा लियोनियन हूँ, तब माने। तो देखो भाई मेन रोड पे आ चुके हैं, लोग सामान बेच रहे हैं यहाँ पे, चिप्स बिस्किट वगैरह। तो ये देखो भाई ये बिग कॉटन ट्री है, बहुत पुराना ट्री है ये। ये कॉटन ट्री का एग्जैक्ट एज पता नहीं है, लेकिन एस्टिमेट किया जाता है कि 250 साल पुराना ट्री है ये। और इस ट्री को ना पूरे फ्री टाउन, पूरे सियरा लियोन का लैंडमार्क बोला जाता है। Look at me, the cotton tree. इसे पोतेता बिस्किट इज फ्रॉम बांग्लादेश। तो भाई ये बांग्लादेश का पोतेता बिस्किट। यू क्रॉस द क्यू, यू स्नैप सेड नो, कम हियर। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड। कॉटन ट्री पर इधर म्यूजियम है, और ये यहाँ का बिगेस्ट कोर्ट है, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी बोलो, पूरी ये कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग है, ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग है, यहाँ का ये हाईएस्ट कोर्ट है सियरा लियोन का। काफ़ी सारी यहाँ पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स है, इसका स्क्रैपर्स है, देख सकते हो आप चारों तरफ, क्योंकि सेंटर है ये कैपिटल का, फ्री टाउन का। I'm guiding you. You're gonna say sorry, I have to be very careful, huh?
तो बोल रहे भाई कैमरा फ़ोन वगैरह बस संभाल के पकड़ो, कभी भी कोई भी छीन के भाग सकता है, स्नैच कर सकता है। यहाँ पे क्राइम वगैरह, स्नैचिंग क्राइम वगैरह कॉमन है यहाँ पे। सियेरा लियोन में अराउंड 11 साल तक सिविल वॉर चला था, फ्रॉम 1991 टू 2002 तक। और इस 11 साल के सिविल वॉर में 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और 25,00,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा था। हर जगह पुलिस वाले यहाँ पर, हर जगह पुलिस वाले को। सियेरा लियोन पुलिस, सियेरा लियोन पुलिस, वेलकम, थैंक यू। ओके ओके, ये तो भाई हर जगह मेरा हाथ पकड़ के खींच रही है, यार कम ही है भाई, इतना भी खतरा नहीं है, ठीक है, थोड़ा रिस्की है, बट नॉट दैट मच। ये देखो, Yeah, I'm careful, don't worry. यहाँ पर तो टुकटुक के अलावा सस्ती गाड़ी दिखी नहीं रही है, या तो टुकटुक दिख रहा है या तो फिर लग्जरी गाड़ियाँ दिख रही हैं। बीच का यहाँ पे गाड़ियों का कोई सीन नहीं है। इस कंट्री में यार काफ़ी सारी जगह, काफ़ी सारे लैंडमार्क्स ना UK में जो प्लेसेस है, सिटीज़ है, टाउन है, उनके नाम पे पड़ा हुआ है। अरे यार ठीक है भाई, ये तो बार बार मेरे को डरवा दे रही हैं, बोल रही हैं आई एम अफ्रेड फॉर यू। Yeah, you know I'm scared of you, right? I'm protecting you. Here they are so crazy. When they drive their cars, they just go awfully. Thank you so much. They smoke. What they, is kush? They do the kush. Okay. When they smoke that one, when they are driving, they don't even look properly. Oh. They just see something like four. They see four. तो ये देखो guys, ये यहाँ की पूरी ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उसके साथ में पूरा ये Atlantic Ocean, कुछ वहाँ पे ships, यहाँ का पूरा ये local market, यहाँ का slum area. यहाँ का पूरा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, मार्केट्स हैं घरों के अंदर। ये देखो, इट्स अ बिग मार्केट, बिग मार्केट स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो अब हम लोग आ चुके हैं बिग मार्केट। बिग मार्केट पूरी फ्री टाउन, पूरी सियेरा लियोन की सबसे बड़ी मार्केट है, जो कि यहाँ से शुरू होती है। टेल मी अबाउट दिस प्लेस। This is a big market. They sell all the things. They sell everything, whatever you want. You're thinking of this is a big market. दुनिया भर का सारा सामान यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे रोड साइड पे ही, पता नहीं क्या क्या। देखो कपड़ों से लेकर खाने पीने का सामान, डेली स्टफ, एनिमल प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट, सब कुछ मिल रहा है भाई। मछलियाँ बिक रही हैं यहाँ पे। कुकुम्बर भाई, यहाँ के खीरा, ये देखो कितने मोटे मोटे। व्हाट इज दिस? मैंगो, मैंगो भाई, मैंगो लग तो नहीं लग रही, मैंगो इन लोग बोल रहे हैं, मे भी शायद मैंगो, काफ़ी अजीब शेप है इसका। दिस इज द बिग मार्केट। क्या क्या दिख रहा है पता नहीं। व्हाट इज दिस? 10,000 तो भाई 60 रुपए का है ये, पता नहीं क्या है, कोई एनिमल प्रोडक्ट लग रहा है, कोई एनिमल का ये स्किन वगैरह है। एग्जैक्टली नहीं, दिस ओट्स। व्हाट इज दिस? हाँ, फॉरेज, पोर्चे, आई कैन सी इट, ओके। अच्छा ये देखो भाई, ये तो चूड़ा है, इट्स मेड फ्रॉम राइस, ओके। लेट्स गो, पिक ऑन दिस साइड, कम जस्ट फॉर 2 मिनट्स। देखो भाई कद्दू मिल रही है यहाँ पे, कपड़े मिल रहे हैं, हर टाइप की सब्जियाँ मिल रही भाई यहाँ पे। फिश अगेन भाई, कौन कौन वराइटीज की मछलियाँ हैं भाई यहाँ पे, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ। नॉट यू ओनली दिस ओके। भाई बहुत ज्यादा भीड़ है भाई यहाँ पे। यस, ओ बिग फिश, बनाना 10,000, हाउ मच? 1/10 60 रुपए का बनाना भाई, 60 रुपए का बनाना है। बनाना की कंडीशन देखो भाई, वेरी ब्लैक बनाना, यू नो ब्लैक। कसावली भाई, बहुत ही अलग टाइप की मार्केट है भाई, जो कि अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे लोकेटेड है। ये देखो पता नहीं क्या क्या सब्जियां हैं भाई, मेरे को नाम भी नहीं पता भाई। ये यहाँ की भिंडी है, ये देखो लेडी फिंगर, काफी अलग भिंडी है भाई, इतनी मोटी भिंडी इंडिया में वो तो कोई खाया ना। व्हाट इज द नेम, व्हाट यू कॉल इट? ओकुरा, यार भिंडी को ओकुरा बोलते हैं।
अकुराल 1 kg how much price? 10. 1000. 60 रुपए किलो है. ओके. आज के टाइम पे पूरे सेरा लियोन कंट्री की पॉपुलेशन अराउंड 8 मिलियन है. 80 लाख लोग इस कंट्री में रहते हैं, उसमें से 1 मिलियन पॉपुलेशन है फ्री टाउन की, यानी कि पूरी कंट्री की 1/8 पॉपुलेशन फ्री टाउन में रहती है. सो मेनी पीपल हियर. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? आई वांट टू सी 1 मिनट. इट्स अ क्रैब. भाई क्रैब है यहाँ पे. ओ व्हाट इज दिस, क्रैब. भाई क्रैब मार्केट है भाई. कितने छोटे छोटे क्रैब्स है यहाँ पे, ये देखो. छोटे भी बड़े भी सब जिंदा, अभी लाइव पकड़ के आया है भाई. मछलियाँ है, मछलियाँ हर टाइप की मछलियाँ है. मछलियाँ ये देखो भाई, क्रैब बिक रहा है. ऑल क्रैब. ओके, फ्रेश क्रैब फ्रॉम द सी ऑन ओशन, व्हाइट एंड ब्लू कलर की. ओके. ओके, लेट्स गो टू द सी. भाई जमीन देखो भाई, क्या हालत है जमीन की. ओ भाई साहब, ऐसा जमीन तो देखे नहीं होगे कभी. देखो ओशन आ गया, ओशन पे मार्केट है पूरा. देखो पानी आ रहा है यहाँ पे. ऑल ओशन, अटलांटिक ओशन. This is a big fish. What you get, you put for me. I'll do videos for you. Okay. It's on my phone. We go which side? This side or this side? This side. भाई ये तो पूरा भूल भुलैया है ये मार्केट. किस तरफ जाना यही लेके जा रही हैं. हाँ. और बहुत ज़्यादा शोर शराबा है. सोल कसावली बन पतेतुली. कसावली. 5000. And potato leaf. 5000. All 5000. Yeah. Oh. Okay. इधर वीडियो में है. 30 रुपए किलो है. ओ कोकोनट. कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर. One for me, one for her. Which one do you want? With more water. More water. Yeah. मैं नारियल पानी पीता हूँ भाई. 30 रुपए का मिल रहा है. 25-30 रुपए के बीच में पड़ रहा है. You have straw? No, no straw. How we drink? Like this? Yes. Okay. You take it. I will take this. You take it. You don't drink. One more. But make a small hole. Okay. Not very big hole. Okay. देखो भाई बिना स्ट्रो के ऐसे लोग पी रहे हैं. How it is? It's so tasty. भाई पांच लियोनस का ये 10,000. Okay. Thank you. टीशर्ट आज गीली हो जाएगी, इसको पीने में बहुत चूर है. स्ट्रो तो है नहीं. इन्होंने तो भाई एक बार में पूरा पी डाला. सियेरा लियोन की इकोनॉमी यहाँ के सिविल वॉर में, जो कि 1990s में हुआ था, उस टाइम पे काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. फिर जब ईयर 2002 में सिविल वॉर खत्म हुआ, उसके बाद इस कंट्री की इकोनॉमी काफी ज्यादा रिकवर होना शुरू करी. इस कंट्री में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है. अराउंड 80% पॉपुलेशन सियेरा लियोन में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है. तो ये कंट्री ऑलमोस्ट पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और थोड़ा बहुत माइनिंग पे. तो भाई ये डस्टी रोड पे आ चुके हैं. कोई यहाँ का नेबरहुड है फ्री टाउन का. विच प्लेस इज दिस, व्हाट इज द लोकेलिटी? विलियम स्ट्रीट. भाई विलियम स्ट्रीट है ये. तो किसी का घर है, किसी घर पे लेके आई है. एंड वेयर आर यू टेकिंग मी? ओके ओके. हेलो, बच्चे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे. शी इज योर आंटी? क्या नाम है? मेरा नाम है तोरवशु. तोरवशु जी. आपका नाम क्या है? नमस्ते. नमस्ते. आपका नाम? आमी. आमी. आमी नाता. यू आर फैन ऑफ सनी देओल? ओके. चल रहा मैं. गुड ऑफिस. बाय बाय. स्कूल ऑल कोल? सकोल. ओके. चारकोल. चारकोल. मेक फायर. यू मेक फायर? यू कुक फूड? यस. फ्रॉम दिस? ओके. वन व्हाट्सएप कुक. हां. तो गाइस सलामता को लेट हो रहा था तो अपने घर चली गई हैं. और सियेरा लियोन में यार लेबनीज कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, फिर उसके बाद इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे रहती है. तो यहाँ पे काफ़ी सारे लेबनीज रेस्टोरेंट है फ्री टाउन में, काफ़ी सारे हैं. तो अभी मैं एक लेबनीज रेस्टोरेंट आया हुआ हूँ. कुछ ऐसा ही है, लेबनीज रेस्टोरेंट है. यहाँ पे काफ़ी सारे लेबनीज फूड मिल रहे हैं और मैंने ये ऑर्डर किया हुआ. ये कुछ लेबनीज पिज़्ज़ा है. ये हाफ चीज़ है, हाफ ज़्यादा है. इसको मैंने
जॉर्डन की कैपिटल अमान में खाया था. आई डोंट नो उसका क्या नाम है, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया तो मैंने लिया हूँ. तो ये भाई यहाँ के ओनर है, ये लेबनान से. यू आर फ्रॉम लेबनान? यस. व्हाट इज योर नेम? साहिल. साहिल, यस. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फूड? लबनी. लबनी. लबनी इज मेड फ्रॉम योगर्ट, समथिंग लाइक दैट. यस, फ्रॉम योगर्ट. और ये भाई लेबनीज ब्रेड है. तो भाई पूरा मेरे को ये 70,000 लियोनेस का पड़ा है, अराउंड 400 रुपए के आसपास. सो गाइस, मैं वापस घर पे आ चुका हूँ और आज मेरा लास्ट डे है फ्री टाउन में. कल मैं सेरा लियोन के सेकंड लार्जेस्ट सिटी जाने वाला हूँ कल मॉर्निंग में. फिर वहाँ पर डायमंड एंड गोल्ड की माइनिंग होती है. अगर मौका मिला तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा. उसके बाद फिर मैं अगली कंट्री निकलूंगा जिसका नाम है लाइबेरिया.